पिज्जा डिश लेकर आई हूँ वो है चिकन वाइट कराही। बहुत आसान है, ये इंग्रेडिएंट्स जो इसमें सारे जाते हैं वो आपके घर में बहुत आसानी मौजूद होंगे। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट इसमें मिसिंग है, वो है थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, अगर वो हो, क्योंकि मेरे पास नहीं है और हम इस वक्त क्वारंटाइन के अंदर हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसके बगैर उसको बना लें, लेकिन जब आप बनाएं तो उसमें वो एक टेबल स्पून या एक टी स्पून कोकोनट पाउडर या कुटा हुआ कोकोनट जरूर डालें। सबसे पहले हम डालेंगे 5 के करीब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो मैं यूज करती हूँ। अगर आपके पास कोई और तेल है या आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई और इस्तेमाल करना चाहते हैं तेल, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो कटी हुई बोनलेस चिकन है, ये मैंने क्यूब्स में इसको काट लिया था, ये आधा किलो के करीब है। मैंने इसको डालना है इसको करना है फ्राई, हल्का गोल्डन फ्राई करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट रखते हैं, जैसे ही फ्राई होती है हम वापस आते हैं। अच्छा जी, ये 7 से 8 मिनट मैंने इस चिकन को यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अगर आप तेल में, मैंने 5 टेबल स्पून तेल डाला है, आप इसमें 3 से 4 भी डाल सकते हैं अगर आपको कम तेल पसंद है तो। मैं इसीलिए थोड़ा ज्यादा डालती हूँ और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डालती हूँ, ताकि अगर जरूरत पड़े और काम हो जाए तो उसमें से बाकी तक निकाल। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और ये मेरे पास 2 कटी हुई किसी छोटी हरी मिर्ची है, इसमें से मैं तकरीबन 1.5 डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि चिकन कढ़ाई में ना प्याज है और ना इसमें टमाटर है ना इसमें लाल मिर्ची है, इसमें बहुत कम मसाले हैं और इसी में इसका टेस्ट आता है, इसलिए इसको चिकन वाइट फ्राई कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने मेरे पास के 1 कप दही है और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और मुझे 1 स्पून चाहिए, ये दही मैंने इसमें डाली है, ठीक है, और मैंने इसको हल्की आंच कर देंगे बिल्कुल, वरना दही आपकी फट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको अब पकाना। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, ये मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ, पाउडर नहीं, भुना हुआ और कुटा हुआ। इसके बाद ये मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून धनिया है, ये मैं इसमें मिक्स करी, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो इम्पोर्टेंट मसाले हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर इसको आंच पे हम पकाएंगे, ठीक है। ओके जी, ये मैंने 5 से 6 मिनट और चिकन को बड़ी हल्की आंच पे दही के साथ पका लिया। उसके बाद मैंने इसमें डालनी है, ये है आधी टी स्पून इलायची, छोटी इलायची पाउडर, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है और ये है 1 स्पून गरम मसाला, लेकिन मैं इसमें आधी चीज डाल रही हूँ, ठीक है, ये हमारे होंगे मसाले, ये होगी हमारी बड़ी 4 हरी मिर्चें, ना खूबसूरत कलर आ रहा है, खूबसूरत इसमें खुशबू आ रही, और लास्ट मैंने इसमें डालनी है तकरीबन आधा कप, या अगर आप इससे कम डालना चाहते हैं, फुल क्रीम, कोई भी क्रीम ले रहे हैं, मिल्क पैक की ले रहे हैं या कोई और क्रीम आप ले लें, वो मैंने डाली है। और अब हमारी ऑलमोस्ट ये चिकन वाइट फ्राई तकरीबन तैयार हो गई है, इसको हमने उसमें घुमाना है, इसका ढक्कन आमिर मुझे दे दिया। अच्छा जी, ये मैं इसको अच्छी तरीके से मैंने इसको घुमा लिया है और मैं अब इसका ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बड़ी हल्की आंच पर पकाऊंगी और हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। मैं इसको डिश आउट करूंगी एंड आई विल बी राइट बैक। अच्छा जी, ये मेरी चिकन कढ़ाई बन रही है, इसमें आखिर में मैं इसमें 1 टीस्पून या आधा टीस्पून जैसे आपकी मर्जी हो मैं नमक डालूंगी। आखिर में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं नमक थोड़ा कम पसंद करती हूँ, अगर पूरा टेस्ट खाने का आ जाता है तो उसकी हिसाब से फिर मैं नमक डाल देती हूँ, मैं टेस्ट करूंगी, अगर मुझे लगा कि कम है तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी, लेकिन आधा टीस्पून या मैक्सिमम 1 टीस्पून उसमें आप नमक डालें।
इन ड्राई बैग आप हमारे इतनी खूबसूरत लग रही है और मैं अब इसको डिश आउट करने वाली हूँ आपकी ड्राई बैग जी। सो ये हमारी चिकन व्हाइट कढ़ाई तैयार है, इसको मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखिए इतना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, पेज एंड व्हाइट एंड ग्रीन। इसको जरूर ट्राई करिएगा, बॉयल्ड राइस के साथ खाएं या इसको आप चपाती, पतली चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत डिलीशियस होती है। आपको कैसी लगी इसको जरूर ट्राई करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप कोई खास रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे जरूर मैसेज करें मेरे इनबॉक्स के अंदर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैंने पता नहीं सुना।